आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर बुधवार को ईडी की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है। यह छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले निवास पर की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, इस केस में 1000 से अधिक रेड हो चुकी है। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे। ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ईडी और सीबीआई जैसी तमाम एजेंसियों की छापेमारी और भी सक्रिय हो चलेंगी।